फिल्म सालार का हाइप दिनों दिन खत्म होता जा रहा है, जहाँ कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि ये फिल्म 1500 करोड़ का आंकड़ा आराम से पार कर जाएगी, बट अब हम सिनेमा फैंस ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि ये फिल्म यही कहीं 600 से 700 करोड़ का ये आंकड़ा पार कर पाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि इस फिल्म की कहानी KGF से कॉपी की गई है, क्योंकि इस फिल्म के ट्रेलर में KGF जैसी वाइब आ रही थी। यानी कि मैं खुद ये बात कह सकता हूं कि इस फिल्म की VFX और KGF की VFX लगभग एक समान ही दिख रही है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि इस फिल्म का एक्शन एंड इसकी जो स्टोरी लाइन है वो भी KGF की कॉपी है, तो दोस्तों यकीनन ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सालार की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड KGF की दुनिया से बिल्कुल अलग लेवल की रहने वाली है। एंड दोस्तों, जैसा कि इसके ट्रेलर में भी बताया गया है कि इस फिल्म की कहानी आज से हजारों साल पुरानी है, एंड जो KGF की कहानी थी वो भी कई साल पहले की थी। फर्क बस इतना है कि जो सालार की कहानी है वो सिर्फ और सिर्फ कल्पनात्मक है, एंड जो KGF की कहानी थी वो थी बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, यानी कि सच्ची घटना पर आधारित। तो दोस्तों, शायद इसीलिए इन दोनों ही फिल्म में सेम VFX का यूज किया गया है जो कि पुराने दौर को दिखा सके, जो कि करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। एंड दोस्तों, जैसा कि प्रशांत लीजी ने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि इस फिल्म की जो कहानी है वो KGF से बिल्कुल अलग और डिफरेंट लेवल की रहने वाली है, जिसे सुनकर काफी सारे फैंस का दिल ही टूट गया, क्योंकि हम लोग पहले KGF की कहानी को सालार से कनेक्ट कर रहे थे। दोस्तों, गलती मेकर्स की भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कभी कहा ही नहीं था कि ये फिल्म KGF से कनेक्ट होने वाली है, लेकिन उन्होंने एक काम ठीक किया कि उन्होंने समय रहते सब कुछ साफ साफ बता दिया, क्योंकि अगर ये बात डायरेक्ट रिलीज होने के बाद ही पता चलती तो इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफी ज्यादा असर पड़ सकता था। एंड दोस्तों, जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म की VFX एंड उसके बैकग्राउंड को शायद इसीलिए कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया गया, क्योंकि फैंस KGF को सालार से कनेक्ट कर रहे थे। अब उनकी कहानी तो पहले से ही लिखी जा चुकी थी, अब कहानी को तो बदल नहीं सकते थे, तो शायद मेकर्स ने ऐसा सोचा होगा कि क्यों ना हम सालार के बैकग्राउंड एंड बैकग्राउंड म्यूजिक को उसी तरीके से सेट करें जिससे लोग इस फिल्म को KGF की तरह ही फील कर सकें। बाकी दोस्तों, इस फिल्म का जो एक्शन है वो काफी ज्यादा डिफरेंट लेवल का रहने वाला है। तो दोस्तों, ये था मेरा ओपिनियन, बाकी आपकी क्या राय प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो लव यू गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ।